हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आज का एमएस साथी राधाकांत और मैं आपको आज बताने वाला हूं होम टैब के अंदर एडिटिंग ब्लॉक के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन के सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन पेन, ये सारे ऑप्शन का यूज। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मीन्स ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर चाहे कोई भी पेज पे कितना भी टेक्स्ट हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी शेप हो, वो सारे चीज़ें एक ही बार में सेलेक्ट कर देगा। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करते ही सब सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल के साथ में अगर हम ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट की है। उसके बाद हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक टेक्स्ट है, हमने उस पर एक बिहाइंड में एक पिक्चर इंसर्ट किया है, बट हमको उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, जो कि हम उसको अगर बिहाइंड रखे हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं हर एज पे या फिर कहीं भी हम क्लिक कर रहे हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके ऊपर टेक्स्ट है और टेक्स्ट पहले सिलेक्ट हो जा रहा है। अगर हमको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वो इमेज सिलेक्ट हो चुका है। हम इसके स्टाइल में चेंजेस, हम इसको ब्रिंग फॉरवर्ड फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं और चाहिए तो हम एडिट करने के बाद इसको वापस से सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। जब हम वापस टेक्स्ट सेलेक्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर वो नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन हमारा चालू है। हमको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन को बंद करना होगा। जैसे ही हम बंद करते हैं फिर हम टेक्स्ट को वापस से सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो है यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सेम सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे कि यहाँ पर जो एमएस वर्ड हमने लिखा हुआ है उसको हमने थोड़ा सा बोल्ड किया है, थोड़ा सा इटैलिक किया है और यहाँ पर एमएस वर्ड लिखा हुआ है। हम चाहते हैं ये जहाँ पर भी हो और इस फॉर्मेटिंग में हो वो सारे वर्ड सिलेक्ट हो जाए, तो हम इसके किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे जिसपे बोल्ड और इटैलिक वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है और हम फिर जाके सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग भी जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी एमएस वर्ड लिखा हुआ है और उसकी फॉर्मेटिंग भी सेम है वहाँ वहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वो सेलेक्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में वो दिखाता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक पिक्चर डाला हुआ है, अगर हम और कोई पिक्चर ऐड करते हैं और कोई शेप ऐड करते हैं तो यहाँ पर इसके नीचे ही वो लिस्ट डाउन होगा। हमको अगर हाइड करना है पिक्चर को तो हम उसका हाइड कर सकते हैं, अनहाइड करना है तो अनहाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि वाटर मार्क का भी यहाँ पर दिखा रहा है पावर प्लस वाटर मार्क, लेकिन अगर हमको वाटर मार्क रिमूव करना है तो वाटर मार्क रिमूव करने के लिए हमको यहाँ पर सिंपली डिज़ाइन टैब में आना होगा और वाटर मार्क में आके रिमूव वाटर मार्क करना पड़ेगा, तब जाके वो रिमूव होगा। और बाकी अगर हमको पिक्चर को हाइड करना है तो हम यहाँ पर सिलेक्शन पेन में जाके इसको कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में यहाँ पर हम उसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, या फिर उसका साइज हमको छोटा बड़ा करना है तो उसको हम रिसाइज कर सकते हैं, फिर से हमको पहले से करना है तो उसको हम मूव कर सकते हैं, वापस यहाँ पर ले सकते हैं और रिसाइज करके भी उसको पहले जैसा वापस कर सकते हैं। इसको हम पहले जैसा वापस से कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सिलेक्शन पेन वापस से पहले जैसा हो गया है और हमारा इसमें काम होने के बाद हम इसको क्लोज करके सिलेक्शन पेन बंद भी कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन पेन, ये सारे ऑप्शन के आपको यूज समझ गए हो। अगर आपको अभी भी किसी भी ऑप्शन में डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।